नमस्कार। आज बांका जिलाधिकारी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी स्वर्ष भगत ने बताया कि बांका जिला में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 6 हो गई है। मूल रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच में 2 लोगों को ही पॉजिटिव पाया गया, बाकी सभी अलग अलग जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। एक बांका जिला के रजौन प्रखंड के श्यामपुर सिंधिया का निवासी है, जो मुंबई से मोतिहारी आया और फिर बस से बांका आया था। वहीं दूसरा बांका जंक्शन में आई लिंगमपल्ली विशेष श्रमिक ट्रेन से 24 संदेहास्पद को जांच में एक पॉजिटिव पाया गया, जो शंभुगंज के लाखा गांव का रहने वाला है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला में 52 क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें 5,554 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 5,554 में 3600 दिहाड़ी मजदूर है, जिसे मनरेगा द्वारा निबंधित कर मानव सृजित कार्य किए जाएंगे एवं बांका जिला के सभी BPL परिवारों को प्रत्येक सदस्य पर 1 किलो दाल वितरण किया जाएगा। हमारे यहाँ दिलीप कुमार का, तो उनको वो भी मुंबई से आए थे एम्बुलेंस से, तो एक दिन के लिए वो बेलहर आए जरूर थे, लेकिन हम लोगों ने उनको स्क्रीनिंग हो गया था उनका, और फिर अभी वो भागलपुर हॉस्पिटल में ही है। बाकी टीम में एक और थे जो आपका भागलपुर के ही थे, लेकिन वो आ नहीं पाए थे हमारे यहाँ, भागलपुर में ही रोक लिया गया था उनको। दूसरा जो है वो जामताड़ा में थे और एक देवघर में थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे। आज की तिथि में ये 2 लोग ही हैं जिनका पॉजिटिव आया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में इनकी सैम्पलिंग हुई है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज की तारीख में ये 2 लोग हैं। नॉर्मल फीवर का सिम्टम है, तो उनका जो भी इलाज है, ट्रीटमेंट है। जो हैदराबाद से ट्रेन हमारी आई थी 8 तारीख को शाम को, उसमें स्टेशन पे ही इनको थोड़ा सिम्टम, थोड़ा फीवर था, तो उनको हम लोगों ने आइसोलेट किया था और उसका रिजल्ट आया है कल रात को बीती रात। तो इनको हम लोगों ने स्टेशन से ही लेके, जो पारा मेडिकल में हम लोग का आइसोलेशन बना है, वहाँ पे डाला था, और अभी इनको मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया, रात को ही शिफ्ट कर दिया गया था। तो एक ये केस है, लेकिन अच्छी बात ये रही इसमें कि स्टेशन से ही इनको पारा मेडिकल डाला गया और वहाँ से इनका जो है सैंपल जो पॉजिटिव आया था, तो इनका एक्सपोजर नहीं हुआ, ये ब्लॉक क्वारंटाइन भी नहीं जा सके थे, इनको यहीं पे रखा गया था। दूसरा, ये तेलंगाना से आ रहे थे, तो इनका जो है बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वर्क कैसे कैसे आ रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है, इनके कोच में, इनके कंपार्टमेंट में साथ में कौन थे, और यहाँ पे तो एक्सपोजर नहीं हुआ था इनका। दूसरे रतन यादव हैं, ये आ रहे थे मुंबई से, आ रहे थे ठाणे से आ रहे थे, और ट्रेन से ये मोतिहारी बापूधाम स्टेशन आए थे, और कल सुबह, ये परसों सुबह ये बस से हमारे यहाँ आए थे मोतिहारी से, तो इनको भी सिम्टम पाया गया था PBS कॉलेज में, जो स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे, और इनको जे हॉस्पिटल में ही आइसोलेट किया गया था, JNM जो आपका वो स्कूल है, नर्सिंग स्कूल, और वहाँ से इनका पॉजिटिव आया था। तो ये भी, ये रहने वाले रजौन के हैं, लेकिन ये भी रजौन ब्लॉक तक नहीं जा सके थे, यहीं पर रहे। टोटल कितने हो गए सर? तो कल के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ टोटल 2 केस ऐड हो गए, पहले 4 हमारे यहाँ केस थे, उसमें 2 और ऐड हो गए, तो बांका जिला से 6 हो गया है टोटल, भी टोटल चल रहा है सारे ब्लॉक्स में। तो फुली रूम में सबसे ज़्यादा अभी 9 सेंटर हम लोग का चल रहा है, अमरपुर में 4, बांका में 3, बौसी में 4, बेलहर में 4, बाराहाट में 3, चांदन में 4, रैया में 5, शंभुगंज में 4, कटोरिया में 7, रजौन में 4, और फुली कुंडल में 9 सेंटर कुल चल रहा है। अभी हम लोग की कैपेसिटी लगभग 6,000 की है, जिसमें लोग हैं, लेकिन हम लोग करीब 6,000 और मतलब 11,000 से 12,000 की कैपेसिटी हम लोग ने तैयारी कर रखी है। आगे भी जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की VC हुई थी, तो उसमें निर्णय यही हुआ है कि जो भी लोग अभी बाहर से आए हैं उनको क्वारंटाइन में रखना है। एक आदेश मिला है, उस पर हम लोग